हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि iOS 13 में जो बहुत सारे नए नए फीचर आए हैं उनमें से जो iMessage वाला जो एप्लीकेशन होता है उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स आए, और बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। अगर आप iOS 12 का अभी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि iMessage जो है बहुत ही बेसिक सा एक एप्लीकेशन है iOS 12 के अंदर, लेकिन iOS 13 के अंदर जो है iMessage को इन्होंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है और इसमें बहुत नए नए चेंजेस आए हैं। जो लोग आई मैसेज के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जो है एंड्रॉयड यूज़र्स भी है, पोटेंशियल आईफोन बायर्स भी है, और कुछ लोग नए आईफोन यूज़र्स है जिनको आई मैसेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तो आई मैसेज जो है दूसरे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनकी तरह एक सिर्फ मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप SMS भेज सकते हो, बल्कि कंप्लीट जो है WhatsApp टाइप का एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है जिससे आप जो है वीडियोस, फोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें जो है आप भेज सकते हो। WhatsApp हमारे यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर WhatsApp के यूज़र्स ज़्यादा है। मैं भी WhatsApp का ही इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कॉन्टैक्ट में भी आईफोन यूज़र्स से ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र्स है, लेकिन iMessage जो है WhatsApp के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिक्योर है, आपकी प्राइवेसी वगैरह जो है इसमें कहीं भी जो है नहीं जाती। तो अगर आप आईफोन से आईफोन अगर मैसेजिंग करना चाहते हो तो iMessage जो है काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है WhatsApp के सामने। तो आइए देखते हैं iMessage जो है iOS 13 का उसमें क्या कुछ नया आया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डार्क मोड जो है अब iMessage के अंदर भी जो है कम्प्लीटली डार्क कर देता है मैसेजेस को, तो ये दिखने में जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले मैसेजेस। अब इस नए iMessage में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो iOS 12 का iMessage था उसमें सिर्फ यहाँ पे जो है एक एडिट का ऑप्शन होता था जिससे आप सिलेक्ट कर सकते थे मैसेजेस डिलीट करने के लिए, और राइट हैंड साइड पे ये न्यू मैसेज वाला यहाँ पे जो आइकन आप देख रहे हो वो होता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे मैसेज के नीचे आपको देखने मिलेगा सिर्फ एक सर्च बार, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये तीन डॉट्स है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट मैसेज का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप सारे मैसेज जो है सिलेक्ट कर सकते हो, और जिनको आपको रीड ऑल करना है रीड ऑल कर सकते हो, या डिलीट ऑल करना है या डिलीट पर्टिकुलर मैसेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर मिलता है वो है एडिट नेम एंड फोटो का। एडिट नेम एंड फोटो के अंदर जो है नई चीज़ आपको ये देखने मिलेगी कि आप जो है अपना नाम यहाँ से जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपना जो है फोटो या एनिमोजी वगैरह आपको कुछ भी डालना है, मीमोजी डालना है वो यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप फोटो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और एनिमोजी अगर आपको डालना है तो अगर आपका मीमोजी बना हुआ है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, नया एनिमोजी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आप अपना फेवरेट पोज भी स्ट्राइक कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो कोई भी स्माइल करता हुआ, आँख मारता हुआ, जिस टाइप का भी आपको फोटो लेना है गुस्से से देखता हुआ वो फोटो यहाँ पे आप ले सकते हो, और उस फोटो को जो है यहाँ पे एज योर कॉन्टैक्ट इमेज सेट कर सकते हो, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को जो है वो वाला फोटो चला जाएगा। इसी तरीके से अपनी गैलरी में से या अपने एल्बम में से भी आप जो है फोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग ये वाला फोटो जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये वाला फोटो जो है हम यहाँ से मूव और स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी हम इसके लिए बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज़ आपको कोई पर्टिकुलर कलर का बैकग्राउंड रखना है, सपोज़ हमने यहाँ पे ब्लू कलर का रख दिया। अब यहाँ पे हम डन क्लिक करेंगे तो नया फोटो जो है वो एडिट हो गया। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपको क्या ये फोटो आपको हर जगह पे यूज़ करना है या नहीं करना है, जैसे भी आपको करना है उसके हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हो, नॉट नाउ भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके एप्पल आईडी में आपके कॉन्टैक्ट्स के सामने सब जो है नया फोटो और नया नाम चला जाएगा। यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस बंदे के साथ आपका ये फोटो और नाम शेयर होना चाहिए, इसे या सिर्फ कॉन्टैक्ट्स के साथ होना चाहिए, या हमेशा पूछे जाना चाहिए आपको कि इसके साथ करना है नहीं करना है, या किसी के साथ भी जो है ये कॉन्टैक्ट और फोटो आपका शेयर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओनली पे रखा है, आप जो चाहे वो यहाँ से रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो थ्री डॉट्स वाला ऑप्शन है उसके बाद में आप देखेंगे तो न्यू मैसेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है थोड़ा अलग हो गया है, उसके पीछे आ गया एक ब्लू बैकग्राउंड, तो एक छोटा सा सटल सा चेंज है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। न्यू मैसेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये वाले टैब में आप फोटोज़, ऐप स्टोर से कोई भी ऐप को शेयर कर सकते हो, डिजिटल टच मैसेज भेज सकते हो किसी को, एनिमोजी भेज सकते हो, जो ये सारे चीज़ें तो iOS 12 में भी थी, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको जो है स्टिकर्स। अब स्टिकर्स में आप जाएंगे तो आपके मीमोजी वाले स्टिकर्स एज वेल एज एनिमोजी वाले स्टिकर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। इसमें से कोई भी स्टिकर अलग अलग पोज में जो है आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, और नया नया जो वर्जन iOS 13 के भी आ रहे हैं, जो बेटा वर्जन आ रहे हैं उसमें नए नए जो है इस टाइप के मीमोजीज और एनिमोजीज ये लोग ऐड करते जा रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है सिमिलर ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे म्यूजिक शेयरिंग, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग, मैप शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके मोर का ऑप्शन देख के आप जो है एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन खोल के देखेंगे नए वाले आई मैसेज के अंदर, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर अगर आप क्लिक करते हो और इन्फो पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड माई करेंट लोकेशन का, शेयर माई लोकेशन का यानी कि लाइव लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हो, फेस टाइम वीडियो कॉलिंग यहाँ से कर सकते हो, फेस टाइम ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, नॉर्मल ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, हाइड अलर्ट सेंड रेड रिसीप्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे है अगर आप चाहते हो सामने वाले को पता चल जाए कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, और उसके नीचे जो भी अटैचमेंट्स आपने सेंड किए हैं चाहे वो फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, लिंक्स होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे एक PDF फाइल था जो मैंने शेयर किया था, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ लिंक्स थे, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक फोटो था जो मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। और यहाँ पे ये वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट का नंबर वगैरह है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगली चीज़ जो नई निकल के आई है दोस्तों और काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो है स्वाइप कीबोर्ड का सपोर्ट। स्वाइप कीबोर्ड जो है आपके आई मैसेज में पूरी तरीके से सपोर्टेड है, तो इस तरीके से स्वाइप करके आपको जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो, और काफ़ी ईजिली अच्छे तरीके से और सेफली जा सकता है स्वाइप कीबोर्ड। पहले भी मैं जानता हूँ एंड्रॉयड में भी आता था और आईफोन्स के लिए भी दूसरे थर्ड पार्टी स्वाइप कीबोर्ड आते थे, लेकिन ये एप्पल का अपना कीबोर्ड है और ये काफी सेफ और सिक्योर है, ये आपका डेटा और प्राइवेसी की कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। तो अगला फीचर जो आपको आई मैसेज देखने मिलेगा iOS 13 के अंदर वो है 3D टच का ऑप्शन। यहाँ पे 3D टच सपोर्टिंग डिवाइस यानी कि जिनके डिस्प्ले में 3D टच का ऑप्शन है और जिनके डिस्प्ले में नहीं है, जैसे कि iPhone XR या iPhone SE के डिस्प्ले में 3D टच नहीं है, उनको भी जो iOS 13 में 3D टच दिया गया, तो इस तरीके से आप 3D टच या हैप्टिक टच करेंगे किसी भी मैसेज के ऊपर, तो बिना उसको एक्चुअल में ओपन किए आप उसके पूरे कॉन्टेंट जो है देख सकते हो, और उससे रिलेटेड जो है छोटे मैसेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। जैसे किसी ने आपको मैसेज किया तो थैंक यू, थैंक्स, इस टाइप का मैसेज आप अगर रिप्लाई करना चाहते हो तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप कर सकते हो, और कस्टम पे क्लिक करके कस्टम मैसेज भी सेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्विकली किसी को रिप्लाई करना है बिना मैसेज को ओपन किए, बिना कीबोर्ड को ओपन किए, तो यहीं से आप 3D टच करके वो वाला रिप्लाई उसको सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर थैंक्स पे क्लिक करता हूँ तो थैंक्स का मैसेज जो है यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट को चला गया। दोस्तों जो अगला फीचर निकल के आया है वो ये है कि जो भी मैसेजेस आप कॉन्वर्जेशन के अंदर देख रहे हो उसको, कोई पर्टिकुलर मैसेज को आपको लॉन्ग प्रेस या 3D टच करके कोई इमोशन के साथ रिप्लाई करना है, तो उस टाइम पे आपको एक नया साउंड सुनने को मिलेगा और ये साउंड काफ़ी सटल है, तो इस तरीके से आप ऐसा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एकदम छोटा सा बीप वाला साउंड आपको आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स के SMS और जो जनरल SMS होते हैं जो बैंक्स वगैरह के होते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले कॉलम में, पूरे मैसेजेस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और राइट हैंड साइड पे अननोन सेंडर्स का जो ऑप्शन है जो iOS 12 में भी था, जो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था एंड के वर्जन में, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपके अननोन सेंडर वाले मैसेजेस और कॉन्टैक्ट के SMS या मैसेजेस iMessages अच्छे से डिवाइडेड होंगे और ये अभी जो है इस टाइम पे प्रॉपरली काम करता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों iOS 13 के iMessage एप्लीकेशन में आपको सारी नई देखने मिलेगी। आपको इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई, आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने थॉट जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।